हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक पुरुष रोग सर्जन या एंड्रोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे फ्रेनुलम या फ्रेनुलोप्लास्टी के बारे में। अगर आप मेरे वीडियो के सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे कि मैं फ्रेनुलोप्लास्टी बहुत कॉमनली करता हूँ और इंडिया में फ्रेनुलम का लार्जेस्ट वॉल्यूम सर्जन हूँ। पिछले एक साल में फ्रेनुलम और फ्रेनुलोप्लास्टी के अंदर कई लेटेस्ट एडवांसेस आए हैं, कई तरह की नई सर्जरीज आई है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेनुलम होता क्या है, इससे आपको क्या परेशानी हो सकती है, और अगर आप फ्रेनुलोप्लास्टी कराते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। मैं इसमें ये भी बात करूंगा कि फ्रेनुलोप्लास्टी की नई टेक्निक्स जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो क्या क्या है, और इन टेक्निक्स के बाद हीलिंग टाइम और रिकवरी टाइम कितना रहता है। तो फ्रेनुलोप्लास्टी के बारे में ये एक असेंशियल गाइड या कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो जाएगा। तो फ्रेनुलम माने की लिंग की सील। लिंग की सील मतलब वो एक छोटी सी ब्लड का वेसल या एक स्किन का टैग जो आपके फोर स्किन को आपके पेनिस के हेड से अटैच करता है। नॉर्मली जब सर्कमसीजन हो जाता है तो फ्रेनुलोप्लास्टी साथ में होती है, पर अगर आपकी लिंग की स्किन टाइट नहीं है, पीछे जाती है, पर आपको सिर्फ आप आगे वाले हिस्से में लिंग के सील वाले हिस्से में दर्द होता है तो आपकी लिंग की सील टाइट है या आपको फ्रेनुलम की प्रॉब्लम है। इस कारण से मरीजों में कुछ दिक्कतें हो सकती है, जैसे कि एक होता है क्योंकि लिंग की सील टाइट है इस कारण से दर्द होने का चांस रहता है, सेक्स में दिक्कत आती है, पूरे इरेक्शन के अंदर स्किन पीछे नहीं जाती। अगर स्किन पीछे जाती भी है तो इस लिंग की सील का फटने का टूटने का डर रहता है, और उससे होने वाली ब्लीडिंग या उससे होने वाली पेन में पुरुषों में काफ़ी दिक्कत या मेंटल स्ट्रेन या डर की एक स्थिति पैदा हो जाती है। नॉर्मली फ्रेनुलम हर किसी मरीज़ में होता है और हर फ्रेनुलम को छेड़ने की या ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, पर अगर ये फ्रेनुलम टाइट है और आपके फ्रेनुलम बार बार फटता है, बार बार ब्लीडिंग होती है, उसमें इन्फेक्शन होता है, उस कारण से आपको शीघ्र पतन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, फ्रेनुलम के कारण से आप प्रॉपरली सेक्स नहीं कर पा रहे, या उसके कारण आपके मन में डर के कारण इरेक्शन में कमी आनी स्टार्ट हो गई है, तो फिर इन केसेस में फ्रेनुलम को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेनुलम या फ्रेनुलोप्लास्टी एक बहुत ही बेसिक टेक्निक है, पर अगर ढंग से ना की जाए तो इसके रिजल्ट काफ़ी ख़राब हो सकते हैं, और इसकी वजह से टाके फटना, इन्फेक्शन होना रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेनुलोप्लास्टी या फ्रेनुलोप्लास्टी की नई टेक्निक्स के बारे में। तो फ्रेनुलोप्लास्टी ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको काट दिया, लंबा कर दिया और छोड़ दिया, उसमें ब्लीडिंग रहेगी, उसमें स्कार बनेगा, उसमें हीलिंग प्रॉपरली नहीं होगी और आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो फ्रेनुलोप्लास्टी एक कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी है, इसको बहुत बारीकी से लोकल एनेस्थीजिया में किया जाता है, इसमें कोई पेन नहीं होता, सर्जरी के बाद आप घर जा सकते हो, आप इमीडिएटली कपड़े पहन सकते हो, चल सकते हो, ड्रेसिंग अप अपने आप घर पे कर सकते हो, और नॉर्मली फ्रेनुलोप्लास्टी 7 से 8 दिन में हील होकर 10 से 11 दिन के बाद आप अपनी सेक्सुअल लाइफ फिर से इंजॉय कर सकते हो। फ्रेनुलोप्लास्टी 2 टेक्निक से होती है, एक को डायमंड टेक्निक बोलते हैं और एक को जेड प्लास्टी बोलते हैं। जो ब्रिटिश सर्जन्स हैं और अमेरिकन सर्जन्स हैं वो दोनों ही कन्विंसिंगली प्रोपोगेट करते हैं, पर अगर आपकी फ्रेनुलम की स्किन बहुत लूज़ है, अगर फाइमोसिस बिल्कुल नहीं है, तो हम नॉर्मली डायमंड टेक्निक से इसको करें तो अच्छा रिजल्ट है। डायमंड टेक्निक मैंने आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में दिखाया है। दूसरा टेक्निक जो है वो है जेड प्लास्टी। जेड प्लास्टी टेक्निक तब रिक्वायर्ड है अगर आपको स्लाइट फाइमोसिस है, उन केसेस में डायमंड टेक्निक से स्किन फट सकती है, डायमंड टेक्निक से स्किन में हीलिंग में दिक्कत आती है, तो उसमें हम लोग जेड प्लास्टी प्लस वीवाई प्लास्टी करके फ्रेनुलोप्लास्टी करते हैं। दोनों टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट लोगों में काम आती है, पर रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सेकेंड स्टेप आता है कि क्या इनमें टाके लगाना ज़रूरी है। नहीं, फ्रेनुलोप्लास्टी में टाके लगाना ज़रूरी नहीं है, स्टिचलेस फ्रेनुलोप्लास्टी भी होती है। स्टिचलेस फ्रेनुलोप्लास्टी में हम लेज़र वेल्डिंग कर या ग्लू लगाकर हम एजेस को जोड़ सकते हैं, जिस कारण से टाके निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर मैंने ये पाया है कि जिन मरीज़ों में मैं स्टिचलेस करता हूँ, उन मरीज़ों में कई बार वो दोनों एजेस आपस में अलग हो जाती है, इसलिए एक टाका लगा देना अच्छा है। पर फिर भी अगर आप चाहेंगे कि हम बिल्कुल टाके नहीं चाहिए, तो हम बिना स्टिच के स्टिचलेस फ्रेनुलोप्लास्टी भी पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। फ्रेनुलोप्लास्टी में जो टाके लगाए जाते हैं वो बहुत ही बारीक और महीन होते हैं, वो 40 या 50 साइज़ के होते हैं। ये टाके अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, इन टाकों से यूजली दिक्कत आती नहीं है। कुछ मरीजों में जिसमें ग्लांस बहुत सेंसिटिव है, उनमें ये टाके ग्लांस को इरिटेट करके थोड़ा सा पेन कर सकते हैं, पर उसके लिए भी हम यूजली क्रीम्स या स्प्रेस देते हैं। पर अगर आपकी ग्लांस बहुत सेंसिटिव है तो हम आपको और बारीक या सॉफ्ट टाके लगा सकते हैं, नहीं तो स्टिचलेस फ्रेनुलोप्लास्टी भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी लिंग की स्किन टाइट है और आपकी लिंग की जो सील है उसकी टाइट होने के कारण आप परेशानी में हैं, तो अपनी परेशानी को बढ़ाइए मत, कोशिश कीजिए कि शादी से पहले ही इसको ट्रीट कराइए। शादी से पहले फ़ायदा ये होता है कि आप सेक्स नहीं कर सकते तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। 10 से 12 दिन अपने बॉडी को देंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सर्जरी डे केयर है, सर्जरी सेफ़ है, इसमें आपको कोई भर्ती, कोई पेशाब की नलकी, कोई बहुत लंबे टाइम रेस्ट की ज़रूरत नहीं है।
और पोस्ट फ्रेनुलोप्लास्टी 10 से 12 दिन में आपने ठीक हो जाना है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसका इलाज ज़रूर कराइए। अगर आप दिल्ली आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं और मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं तो मुझसे ज़रूर मिलिए। मैं फ्रेनुलोप्लास्टी 11,400 रुपये में टोटल कॉस्ट में दिल्ली में अपने क्लिनिक प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप मेरे क्लिनिक के आसपास नहीं रहते हैं, दूर है, तो अपने घर के पास पता कीजिए। अगर कोई यूरोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन इस टेक्निक को अच्छे से कर पाए, मैं फ्रेनुलोप्लास्टी महीने में 100 से ऊपर करता हूँ तो मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पेशेंट्स को परेशानी बिल्कुल नहीं होती। तो फ्रेनुलोप्लास्टी के बारे में और जानना चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे दिए गए ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेनुलोप्लास्टी को लेकर मेरे और बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उन्हें ज़रूर देखिए, उससे आपको लगेगा आइडिया कि कैसे होती है। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।